तो हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 24 प्लस अल्ट्रा लोशन के बारे में। तो इसे हिंदुस्तान लीवर द्वारा बनाया जाता है और इसका 60 ml का पैक है। तो इसे किन समस्याओं में उपयोग करना चाहिए, जब उपयोग करेंगे तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले और क्या साइड इफेक्ट देखने को आने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और फ्यूचर में बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जब आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो धूप की जो किरण रहती है UVA एंड UVB, ये दोनों रेज बहुत ही हार्मफुल होती है। ये क्या करती है, स्किन को डार्कनिंग करती है, डार्क स्पॉट छोड़ती हैं और एजिंग करती हैं, और स्किन को डार्कनिंग करने में ये ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारा स्किन जब आप धूप में जाते हैं, अगर सेंसिटिव स्किन है तो ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो अगर उससे बचना है तो नेचुरल वे से भी आप बच जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा आपका सनबर्न वगैरह नहीं होता है, डार्क होता है। जब ज़्यादा सेंसिटिव स्किन रहती है ये काफ़ी समय तक आपको काला डार्क स्पॉट छोड़ देता है, और जैसे कि प्रीमैच्योर एजिंग करता है और डार्कनिंग करता है आपके चेहरे में। तो आप इसे यूज़ करके, आप लैक्मे सन एक्सपर्ट को यूज़ करके इसे बचा सकते हैं। तो ये ऑब्जर्व करता है UVA एंड UVB रेज 90% तक, और साथ में इसका जो गुड स्टार रेटिंग है वो PA++ है, जो काफ़ी अच्छा है। इसका जो SPF 24 प्लस है, जो इंडियन रिक्वायरमेंट SPF और 21 प्लस है, ये 24 प्लस है, ये काफ़ी अच्छा है। आप इसे निकलने से पहले 20 मिनट पहले अपने पूरे बॉडी में लगा सकते हैं, या जैसे कि आपका जो ओपन पार्ट है जहाँ पे क्लोज नहीं है वहीं पे लगाएं, जैसे कि आपका चेहरा वाला, आपका हाथ वगैरह पार्ट, या आपके जो थाइज से नीचे जो वाला पार्ट है वहाँ पे लगा के आप निकल सकते हैं धूप में। तो इसे यूज करना है तो एक बार डॉक्टर का भी आप जरा सलाह ले लीजिएगा। इसे निकलने से पहले यूज करना है, आप इसे तब तक यूज कर सकते हैं जब तक आप धूप से बचना चाहते हैं। तो यह मोस्टली आपको हर मेडिकल शॉप में मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और फ्यूचर में आप बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में जो प्लेलिस्ट है उसे प्ले करके देख सकते हैं।